बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ, फ्रॉक के नीचे हम लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, या कह लें कि फ्रॉक की दामन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो हमने ये जो मैंने ब्लॉक्स हैं स्टिकी पेपर के, मैंने 1 इंच के ब्लॉक्स काट लिए हैं और उनको एक कॉटन के पेपर पे, कॉटन पे कपड़े पे, यानी कि कॉटन का एक कपड़ा है रेड कलर का, उस पर लगा लिया है। ये देखिए मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने इसको आयरन कर लिया, छोटे छोटे पीसेस को इनके ऊपर, और कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। ये देखें इस तरह ये मैंने ब्लॉक से काट लिए हैं। अब हमने इसको सिलाई करने से पहले इस तरह, ये देखें इस तरह मैंने फोल्ड कर लेना है चारों तरफ से, और इसकी अच्छे से आसानी हो सिलाई करने के लिए, चाहे आप ग्लू स्टिक लगा लें या वैसे ही लगा लें, वो आपकी अपनी मर्जी। बिगिनर के लिए अच्छा होता है कि अच्छे से ग्लू स्टिक लगा लें, लेकिन मैं इन ब्लॉक्स के ऊपर जो है ना, अब ये देखिए पैरेट कलर का ही फाइबर पेंट यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से ग्लिटरी से ब्लॉक्स बन जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाया है सेम ऐसे ही ब्लॉक बनाने लगी हूँ। ये देखिए मैं फाइबर पेंट हैंड के साथ यूज़ किया, आप ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड के साथ जल्दी जल्दी काम हो जाता है। ये देखिए मैंने इस तरह का ब्लॉक तैयार किया, वो भी गीला है। ये देखें ये खुश्क है और इस पर कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी लुक देगा। ये इस तरह के कलर का भी फाइबर पेंट था, लेकिन मैंने इसके ऊपर पैरेट पे को पैरेट ही यूज़ किया है, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा था। मैंने ऑरेंज कलर की डोरी यूज़ की है, जिगजैग डोरी पिंक कलर की और गोल्डन कलर की यूज़ करेंगे। ये देखिए ये जो ऑरेंज डोरी है, मैंने जो फ्रिल्स लगाई हुई थी दामन पे, उसके अंदर हम ये लगाएंगे एक लाइन। ये मैंने तकरीबन 4 इंचेस का डबल लेयर्स में नेट लिया है, जो कि थोड़ा हार्ड नेट है, गोल्डन से कलर का है ये नेट है, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी जो है ऑरेंज पैरेट इस सूट पर और गोल्डन कलर की हुई है। इस कलर के हम डिज़ाइनिंग यूज़ करेंगे। ये देखें मैं जो डबल लेयर्स में गोल्डन कलर का नेट का पीस दिया है, इसको इस तरह सिलाई कर लिया है सिंपल रख के, क्योंकि मैंने हेम किया हुआ था पहले से ही फ्रॉक को। और ये देखें इस तरह सिंपल सिलाई कर लेना है, और ये नीचे मैंने पैरेट कलर की एक लेस है, शटर लेस, वो लेके लगाऊंगी और इस तरह सिंपल रख के मैंने लगा देनी है, क्योंकि डबल लेयर में है तो हमें इसे हेम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल नीचे रख के सिलाई लगा देनी है लेस की, और मैंने 5-5 इंचेस के फासले पर निशान लगाए हैं दामन पे, जो फ्रॉक का दामन है जितना घेर है उसके ऊपर मैंने 5-5 इंचेस के फासले पर लगा दिया। और जो मैंने ब्लॉक्स तैयार किए थे ऑरेंज पैरेट कलर के, सॉरी, उसको लगाना है सेम ऐसे ही। ये देखें, ये देखें फोल्ड करना पड़ता है। अगर आप फोल्ड नहीं करना चाहते तो आप ग्लू स्टिक यूज़ करें, मैं आपको बताती हूँ कैसे ग्लू स्टिक यूज़ करनी है। ये देखें ये बार बार किनारे खुल रहे हैं, ये बिल्कुल सफाई से बंद हो जाएंगे। ये देखें ये मैं यूएचओ स्टिक यूज़ कर रही हूँ, आप यूएचओ ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, फाइबर ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेल हो उस टाइम लगा सकते हैं। मेरे पास फाइबर ग्लू भी थी, लेकिन उसे थोड़ा सा खुश्क होने में टाइम लगता है, तो मैंने इसलिए इसे यूज़ करके सब चार आपको बताया है कि कैसे लगाना है। नहीं तो आप सिंपल इसको उसके साथ पिन के साथ अटैच करें और सिलाई लगा दें। जिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये इजी तरीका है कि आप ग्लू लगा लें। ये देखें ये सिंपल इस तरह लगा के और सिलाई लगा देनी है। मैं 5-5 इंचेस पे जो निशान लगाए हैं उनके ऊपर ये रख के ब्लॉक्स, और उनको पिन के साथ अटैच कर दूंगी और फिर बाद में सिलाई लगा दूंगी। मैं अभी आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ अच्छे से। मैंने सिर्फ आपको फाइबर ग्लू के साथ एक जोड़ के दिखा दिया है कि इस तरह लगाना है, लेकिन मैं खुद वैसे ही लगा रही हूँ। ये देखें ये मैंने सारी सिलाई लगा ली है अच्छे से ही, ब्लॉक्स अटैच कर लिए हैं और लेस की भी सिलाई लगा ली है, नेट लेस नेट के नीचे रख के सिलाई लगा ली है नेट ऊपर। ये देखें करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ऑरेंज कलर की सिलाई लगाई है जो कि नज़र आए अच्छी लगे, और डबल मैंने सिलाई लगाई है हर ब्लॉक पर ताकि वो ज़्यादा अच्छे से और गहरी नज़र आए। कि मैं आपको पूरा घेर अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसके बाद जो हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है, ऑरेंज कलर की जो डोरी आपको मैंने दिखाई थी उसकी सबसे पहली लाइन लगानी है हमने लेस के साथ, उसके बाद शॉकिंग कलर की जो मैंने आपको जिगजैग डोरी दिखाई थी उसको लगाना है, उसके बाद फिर वो ऑरेंज कलर की डोरी की लाइन लगानी है। क्योंकि जाली है हम इस पर निशान नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा डार्क कलर का पेन वगैरह है तो उससे आप सीधे सीधे निशान लगा के उसके बाद इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने ऑरेंज कलर की डोरी लगा ली है, सेंटर में मैंने अभी जिगजैग डोरी नहीं लगाई, एक ही रंग का ऑरेंज कलर का धागा डाल के मैंने ऑरेंज कलर की डोरी लगा दी है। ये देखें एहतियात से लगानी है, नेट नाजुक सी होती है, फट ना जाए, अपने एहतियात के साथ लगानी है। ये देखें मैंने लगा दी है, अब इसके अंदर मैंने जिगजैग डोरी की रख के सेंटर में लाइन लगानी है, सेम एक जैसा सेंटर में रख के लगाते जाएँ, या फिर आप निशान लगा लें, मैंने वैसे ही लगा दी थी। अगर आप चाहें तो आपके फ़र्क ना आए तो आधा इंच का निशान लगा लें। लाइंस के अंदर जो है ना 1/2 इंच का गैप है, तो इसलिए आप 1/2 इंच पे निशान लगा के डार्क किसी चीज़ के साथ फिर लगा सकते हैं नेट पे, वरना निशान नहीं लगता। मैंने लगाया नहीं, मैंने सिर्फ जस्ट अंदाजे के साथ लगाई है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ,
इस तरह लग रही है। मैंने जो जिगजैग डोरी है वो मैंने बैक साइड पे नहीं लगाई, सिर्फ फ्रंट पे लगाई है, जबकि ऑरेंज जो साइड है वो मैंने दोनों साइडों पे लगाई है। ये देखें इस तरह की लुक दे रही है। और ये घेरा बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसके नीचे जो गरारा था उसके ऊपर ये बहुत अच्छी लुक दे रहा था, क्योंकि इसमें हमने जो जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है वो काम किया है। शायद मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जो फाइबर पेंट है वो इसका रोशनी की वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो पहना हुआ और रियल में बहुत ग्लिटरी सा बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके अलावा जो इसकी फ्रिल्स लगी हुई थी उनके सेंटर में मैंने ऑरेंज कलर की डोरी लगाई थी। ये देखें ये इसका ऊपर अपर बॉडी थी, और इस अपर बॉडी के साथ मैंने मैचिंग डिज़ाइनिंग की थी। सेम वैसे ही चीज़ें, पर गोल्डन कलर का मैंने नेट लिया, थोड़ा सा हार्ड लिया, उससे फुला फुला फ्लेयर लग रहा था इस फ्रॉक का, बहुत अच्छा लग रहा था। इसे लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं या इसको एज ए दामन डिज़ाइनिंग यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह की सिंपल सिंपल और अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग और प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।